नमस्कार, मेरा नाम अर्नब है। हम सभी एक छात्र है। आपके सामने रामायण के छोटे से कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। राजा दशरथ का बड़ा पुत्र हूँ। आज मेरा राज्याभिषेक है, तो चलो देखते हैं अयोध्या कैसे मनाते हैं। किंतु यह खुशियां काफी समय तक ना रही। नहीं नहीं, श्री राम नहीं बनेगा अयोध्या का राजा, मेरा पुत्र ही बनेगा अयोध्या का राजा। किंतु आप ने मुझे वचन दिया था, जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। मैं चाहती हूँ श्री राम जाए 14 साल के वनवास के लिए। आपको अपना वचन पूरा करना होगा। न चाहते हुए भी राजा दशरथ को श्री राम को वनवास भेजना पड़ा और अयोध्या वासी बड़े ही दुखी थे। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, कैसी है ये अनहोनी। जब यह बात भरत को पता चली तो उन्होंने माता कैकेयी को क्या कहा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वे वन में रहने लगे। एक दिन सीता मैया ने देखा, श्री राम बड़े का सोनिक हिरन मुझे चाहिए। वह हिरन बड़ा ही सुंदर था और श्री राम ने कहा सीता मैया से, सीते मिलता है कहाँ है, किंतु मैं तुम्हें केला छोड़कर तेरे गाँव में ना ढूंढने। ठीक है, मैं जाता है हिलो ढूंढने। बेरसमन जा रहा हिलो लेने और सीते का ख्याल रखना। ठीक है भैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। किंतु लक्ष्मण काफी समय हो गया,
श्री राम वापस आए। आप जाकर देख आओ। नहीं नहीं माता, श्री राम ने कहा है कि मैं आपका अकेला छोड़कर ना जाऊं वन में। किंतु कैसे जाऊं मैं आपको छोड़कर? ठीक है माता, मैं जाता हूँ। किंतु आप ये लक्ष्मण रेखा को पार ना करो। किंतु कुछ समय बाद माता भिक्षा दो, माता भिक्षा दे लीजिए भिक्षा। नहीं नहीं माता, आपको इस पर आना होगा। नहीं नहीं, मैं ना पा सकती लक्ष्मण रेखा। अगर आप मुझे भिक्षा नहीं दोते तो मैं आपको श्राप देता हूँ। भिक्षा देने के लिए सीता मैया ने पार की लक्ष्मण रेखा। वह साधु ना होकर था रावण। रावण ने छल पूर्वक देवी सीता का हरण किया। श्री राम की मदद के लिए यह देखिए कौन आए हैं। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान व उनकी वानर सेना सीता मैया को छुड़ा ले आए रावण की चंगुल से और 14 साल के बाद लौट आए अयोध्या। श्री राम के आगमन पर लोग मना रहे थे दिवाली।